जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी मैथ अकेडमी में। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही शानदार तरीका बताने वाला हूँ उन बच्चों के लिए कि एसएससी जीडी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे आसान तरीका क्या रहेगा आपके लिए, सबसे आसान तरीके से किस प्रकार से आप एसएससी जीडी की मतलब आसानी से तैयारी कर सकते हो। दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका दिमाग कम चलता है या जिनकी याद रखने की क्षमता कमज़ोर होती है या किसी चीज़ को मतलब क्लासरूम से या ऑनलाइन क्लास से या कहीं से भी देख के सीखने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही कमज़ोर होती है। मतलब वो एक वीडियो को 10-10 बार या एक क्वेश्चन को 10 बार समझ लेंगे फिर भी उसको आएगा नहीं, चाहे मैथ का हो चाहे रीजनिंग का हो। जीके में भी उनके साथ में मतलब माइंड में जो कन्फ्यूजन है वो निरंतर बना रहता है कि ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, उनका ये डाउट दूर नहीं होता, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको तैयारी करने में मतलब बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत भी करते हैं, अपने परिवार की स्थिति को देख के या खुद के भविष्य को देख के भी बहुत सारे बच्चे अगर तैयारी करते हैं। एक चीज़ तो मैं बता दूं दोस्तों, चाहे लॉकडाउन रहे चाहे कुछ भी रहे, अगर आपका जीवन में साथ देगी तो वो है आपकी पढ़ाई, आपकी मेहनत, और वो आज वो समय है। तो आपको तैयारी करते रहना निरंतर लॉकडाउन में, ना ही तो उदास होना है, ना डिमोटिवेट होना, ना निराश होना है, ठीक है। आपको फुल मोटिवेट रहना है, फुल मोटिव के साथ तैयारी करनी है। कोई बात नहीं, 2 महीने ज़्यादा तैयारी करनी पड़ सकती है लेकिन तैयारी करनी है दोस्तों, अच्छे से दबा के तैयारी करनी है। डीमोटिवेट 1% भी नहीं होना है, ना ही ये सोचना है कि वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी, आपको उस तैयारी पे पूरा फोकस करना ही करना है। तो सबसे जो आसान आसान तरीके क्या है एसएससी जीडी की तैयारी या और भी अगर आपको एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी मतलब आसानी से तैयारी करने के सबसे खास तरीके दोस्तों, सबसे पहले आपको अच्छी बुक होनी चाहिए। बुक के लिए मैंने कमांडो अकेडमी चैनल पर वीडियो बनाया, आपने देखा होगा कौन कौन सी बुक सबसे बेस्ट है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। और जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े वो जुड़ जाइए टेलीग्राम ग्रुप से। तो दोस्तों अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको क्या होता है कि बुक्स अच्छी ले लेते हैं फिर उनको पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, दिल नहीं लगता है। तो उसके लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका, एक सबसे पहला आप जहाँ पर भी तैयारी करते हैं उस एरिया में आपके गाँव में या आप जहाँ पर बिलोंग करते हो वहाँ पर 2-4 बच्चे और आपके होंगे जो तैयारी करते हैं, सबसे पहले आप उनसे मीट करिए, मतलब आप उनसे मिल लीजिए और साथ बैठ के तैयारी करिए। साथ बैठ के तैयारी करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि दूसरे को देख के अपने आप मोटिव होते हो। मान लो अगर 5 बंदे बैठे हैं, अगर उनमें से 2 बंदों का पढ़ने का दिल कर रहा, 3 का नहीं कर रहा ना, तो वो 3 बच्चे उन 2 को देख के पढ़ने लग जाएंगे। पहली बात तो ये, एक आलस्य नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि आपको कोई भी ट्यूशन नहीं आएगा, अकेले बैठे हो पढ़ने में नहीं आया, किताब बंद करके बाहर, तो वो चीज़ नहीं आएगी। अगर नहीं आएगा उनसे पूछोगे, और डिस्कशन ही सबसे बेस्ट तरीका है तैयारी करने का। अगर आप किसी के साथ में अपनी बात शेयर कर रहे हो, अब जैसे ऑनलाइन क्लासेज भी चलती है लेकिन वहाँ पर आपके पूरे आंसर नहीं कर पाते। एक मेरे से बच्चे बहुत बार पूछ रहे हैं कि सर आपकी क्लासेज कब से शुरू होगी, तो दोस्तों जल्दी मतलब 2-4 दिन के अंदर अंदर कमांडो अकेडमी चैनल पर लाइव क्लासेज चलेंगी एसएससी जीडी के लिए, आरपीएफ कॉन्स्टेबल के लिए और आर्मी के लिए, सभी सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस चलेगी। साथ ही ऑनलाइन कोर्सेज भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे बहुत ही निम्न MRP पे, तो मतलब ना के बराबर पैसे में आपको पूरा का पूरा एसएससी जीडी का कोर्स, आरपीएफ का कोर्स और आर्मी के कोर्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे आने वाले 5 से 6 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। कोशिश रहेगी मेरी 5 से 6 दिन के अंदर, 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन क्लासें आपकी 5-6 दिन के अंदर अंदर शुरू हो जाएगी। तो पहला तो चीज़ तो ये कि आपको 4-5 बंदों का ग्रुप बनाना है, ग्रुप स्टडी करें सबसे बेस्ट तरीका, डिस्कशन करें, क्योंकि उसमें आप बोरियत फील नहीं करोगे, कभी भी बोरियत फील नहीं करोगे। गेम हमेशा खेलें, स्टडी करने के दौरान भी गेम हमेशा खेलते रहना है, खुश मिजाज रखना है, ठीक है। बातचीत हमेशा दूसरों से करती रहनी, ये नहीं कि आप अगर स्टडी कर रहे हो बस उसको डूब गए उसमें और कुछ दिख ही नहीं रहा, नहीं, खेलना कूदना भी है, घूमना फिरना भी है, लेकिन ज़्यादा नहीं, नॉर्मल करना है। और खेलना कूदना तो ज़रूर, अगर आप खेलोगे कूदोगे तो ज़रूर आपका माइंड भी खुला रहेगा, आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। और 4-5 दोस्त मिलके, या अगर लड़कियां हैं तो वो भी अपना 2-3 का ग्रुप बना लें और डिस्कशन करें, क्वेश्चन का जो चीज़ नहीं आती है उस पूछें, तो उससे क्या होता है कि जिसको आती है वो बाकी 2 को भी आ जाती है। जीके का क्वेश्चन अगर 1 बंदा पूछ रहा है तो 3 बंदों के क्लियर होते जाते हैं, ऐसे करके बहुत ही अच्छी तैयारी होती है और आसान तरीके से तैयारी होती है, आपको बोरियत फील नहीं होगी। पहली बात तो आपको बोरियत फील नहीं होगी, दूसरी बात आपको आलस्य नहीं आएगा 1%, क्योंकि ग्रुप स्टडी करोगे। तीसरी बात अपने आप मोटिव रहोगे, क्योंकि अगर मान लो 4 बंदे हो, 1 सुबह जल्दी उठ रहा है ना, तो अपने आप ही बाकी 3 उठने लग जाएगी, उसके लिए क्या यार कहीं ये लग जाएगा मैं रह जाऊँगा, तो अपने आप ही वो कंपटीशन की भावना आ जाती है ऑटोमेटिकली ही साथ रहने वाले बच्चों में। तो ये इस बात का विशेष ध्यान रखें,
इसके अलावा जैसे आप बुक से या ऑनलाइन जो भी कहीं पे भी वीडियो देख रहे हो दोस्तों, वो वीडियो देखने के बाद में सबसे पहले बुक से उसको रीड करें, उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको लिखें। करंट अफेयर्स डेली सुबह आप जब पढ़ते हो तो उसको हमेशा अच्छे से लिखें। और जितने भी वीडियो आप देख रहे हो या जो भी मैथ का क्वेश्चन देख रहे हो, एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो उसको मान लो आपने आधा घंटा या 20 मिनट उसके लिए मैथ के लिए माता पच्ची कर लिया, आप बोरे तो चलो ठीक है उसको छोड़ दो, उसको टिक मार करके छोड़ दो, और जब अगले दिन पढ़ाई शुरू करो ना तो उस क्वेश्चन से ही शुरू करनी। जो चीज़ नहीं आती है सबसे पहले उसी को सीखना, ये जिद होनी चाहिए। तो इससे क्या कि आपको मोटिवेशन मिलेगा, तैयारी करने में मज़ा भी आएगा। यानी जो चीज़ नहीं आती है ना उसको सबसे पहले सीखनी, जो चीज़ आती है उसकी प्रैक्टिस बाद में करना है। तो जो चीज़ नहीं आती, आपने आधा घंटा सर पचा लिया लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा है, तो क्या करना है आपको, टिक मार कर देना है, छोड़ देना अगले दिन के लिए। उस दिन उसके बारे में कुछ नहीं सोचना, अगले दिन जब भी पढ़ाई स्टार्ट करो तो उसके साथ ही पढ़ाई करनी, ठीक है। उस क्वेश्चन के साथ पढ़ाई करने से क्या होगा, सबसे पहले आपकी जो समस्या है वही समाधान हो जाएगी, और उस दिन आपका दिमाग थोड़ा सा तेज चलेगा, क्योंकि वो आपका दिन फ्रेश माइंड सुबह से जो शुरुआत होता है उसका मज़ा ही कुछ और रहता है। एक, खाने पीने पर कंट्रोल करें, मैंने बोला था शाम का खाना, अगर आप चाहते हो कि आपकी आसानी से तैयारी हो जाए आपको पता भी ना चले, तो शाम का खाना 6 से 7.30 बजे के बीच में खा लेना है। उससे क्या होगा कि आप रात को 8, 9, 10, 11 बजे तक अगर पढ़ते हो तो जब सुबह उठने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप रात को 9 से 10 बजे के बीच में खाना खाते हो तो फिर सुबह उठने का दिल नहीं करेगा, क्योंकि वो खाना की पाचन क्रिया पूरी रात भर आपको उसका खाने का नशा तो रहता है शरीर में, वो नशे की वजह से आपको पूरी रात भर अच्छे से नींद आएगी, और जब बहुत ही ज़्यादा नींद आएगी तो सुबह उठने का दिल भी नहीं करेगा, उठोगे भी तो भी वही नींद ऐसे आती रहेगी, तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए खाने पर कंट्रोल करना है, ठीक है। बहुत ही कम खाना है, सफिशियंट खाना है शाम का खाना, दिन में दबा के खाओ कोई टेंशन नहीं, लेकिन जो शाम का खाना है कम ही खाना है, हिसाब का खाना खाना है, भले लिक्विड दूध पी लो, ऐसा कोई भी चीज़ पी लो, गर्म चीज़ अगर चाय पीने वाला चाय भी पी लो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। तो पहली बार डिस्कशन करें, ग्रुप स्टडी का ग्रुप बना लें, चाहे कोई सा भी कोर्स से आप पढ़ाई कर रहे हो उसके साथ में बुक से हमेशा रीड करें। कोई भी चीज़ को आप पढ़ते हो तो बुक हमेशा आपके पास में होनी चाहिए, नोटबुक में नोट करते रहे, जो जो चीज़ें आपको नहीं आती है, जो चीज़ नहीं आती है उसको नोटबुक में नोट कर ले, फिर अगले दिन को सबसे पहले उससे शुरुआत करें। जीके के कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो उस टॉपिक में से आपको कितना याद हुआ ये हमेशा जांचें। सुबह जो टॉपिक पढ़ा उसको शाम को एक बार रीड करें और सोचें। सबसे एक बढ़िया तरीका बताऊं मैं आपको जीके याद करने का, या पूरे दिन में दोस्तों क्या करना, जब आप सोते हो रात के समय में तो सोते सोते ये सोचना कि आज दिन में मैंने क्या पढ़ा। लास्ट के जब सोने का जो 15 मिनट का या 10 मिनट का जो समय होता है उसको ऐसा यूज करना है कि उस समय में आपको सिर्फ आंखें बंद करके ये सोचना है कि सुबह मैंने क्या पढ़ा था। बिल्कुल आंखें बंद होनी चाहिए आपकी, और ये सोचना है सुबह मैंने ये पढ़ा था, ये टॉपिक पढ़ा था, इसका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ये जो मैथ का क्वेश्चन है ये मेरे को नहीं आया था, क्यों नहीं आया था, मैंने क्या क्या प्रैक्टिस की। वो 15 मिनट का समय आप रात को सोते टाइम मनन कर लोगे ना तो गारंटी है मेरी कि आपको पढ़ाई करने का इतना मज़ा आने लग जाएगा और अपने आप याद रखने लग जाएगा। मनन करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कम पढ़े लेकिन उसको एक ही बार में क्लियर कर ले। एक ही बार में क्लियर तब होगा जब आप मनन करोगे, मनन सबसे ज़रूरी है। यानी जो भी चीज़ आप पढ़ते हो उसका मनन करना, मनन का मतलब ये हुआ कि जब आप रात को सोते हो तो सोते टाइम या दिन में भी जब सोते हो तो देखना कि मैंने ये चीज़ पढ़ी है, हाँ ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ऐसे सोच सोच कर पढ़ाई करना है। तो उससे क्या होगा कि आपको वो चीज़ें याद रखने की जो कैपेसिटी है अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। मनन करने से ही कैपेसिटी बढ़ती है याद रखने की, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मनन हमेशा करें। जो चीज़ पढ़ते हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, तो उसका मनन हमेशा करें। सोने से पहले एक बार ज़रूर मनन करें, चाहे दिन में सोते हो चाहे रात में सोते हो, तो जितना मनन करोगे उतना बढ़िया। नहाते भी रह रहे हो, नहाते वक्त भी याद करना है कि हाँ वो चीज़ मैंने पढ़ी थी, वो चीज़। फालतू की कोई चीज़ ना ही तो मोबाइल में देखनी है और ना ही करनी है, ठीक है। कुछ दिन स्टेटस इनको छोड़ दो, आपका स्टेटस जब बनेगा जिस दिन वर्दी होगी शरीर पर, उस दिन आपका एक स्टेटस बनेगा कि आप फौजी हो। अभी आपका कोई स्टेटस नहीं है, फालतू के स्टेटस लगाना बंद कर दो, फालतू की स्टोरियां इंस्टाग्राम पे डालना बंद कर दो। ये स्टोरियां डालना या फालतू के ये स्टेटस लगाना पूरे दिन या इंस्टाग्राम रील देखना, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। आपका भी बहुत इंपॉर्टेंट समय है जीवन का, तो इन चीज़ों को आपको डिलीट मार देना है। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हो उनको कुछ दिन के लिए बाय बाय कर देना है। आपको यूज़ करना तो यूट्यूब, और अगर आप कोई तैयारी के लिए आपको जो फ़ायदेमंद है वो चीज़ें आपको यूज़ करनी है, जैसे टेलीग्राम हो गया और यूट्यूब हो गया, तो इन चीज़ों का आप यूज़ करिए। लेकिन बाकी जो इंस्टाग्राम पे रील डालना, फोटोवे डालना, ज़्यादा फ़ोटो क्लिक करना, ये सब चीज़ें आपके लिए अभी ज़रूरी नहीं है। तो इन बात का विशेष ध्यान रखें और तैयारी को ग्रुप स्टडी के रूप में करें, और जो चीज़ें मैंने बताई उन पर फोकस करें, आपकी ज़रूर बहुत ही अच्छी तैयारी होगी और बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे आपके SSC GD हो, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसमें। जय हिंद, जय भारत।